कितने लोग एक्साइटेड है, कितने लोग परमेश्वर से कुछ आज पाके जाएंगे, कुर्सी से जाए, जहां से बाहर में जाएगा जब आपको देना है। आमेर आए प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम इसका दूसरा अध्याय, प्रेरितों का काम इसका दूसरा अध्याय इसकी फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। जब पैंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे हो गए। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी भयंकर का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां बैठे थे फूल गया और उन्हें आग किसी जीवे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग है। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की समर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, अपनी बाइबल उठा सकते हैं, हवा में लहरा सकते हैं, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल में होगी। हालेलुया। बैलका की कहानी आप ये वचन आप जानते हैं, बैलका की बिल्कुल देखिए ध्यान से, एक घंटा किसी तरफ भी मत देखिएगा। बैलका की जब पिंतेकोस्त का दिन आया तो बैलका की वो 120 लोग प्रेरित उस भवन में इकट्ठा थे, उस ऊपर वाले कमरे में इकट्ठा थे और लिखा हुआ है एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और सारा घर जहां बैठे थे गूंज गया और आग की जीवे फटकी हुई 120 लोगों के ऊपर आकर ठहर गई और लिखा वो सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए थे और वो क्या बोलने लगे थे। लिखा जैसा पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमेन। मैं कहती हूँ यहाँ पे जब हम आगे पढ़ते हैं तो आप लोग जानते हैं इस वचन को, जब परमेश्वर का आत्मा पहली बार प्रेरितों के ऊपर उतर के आया और वह सब पवित्र आत्मा से भर गए और वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे तो लिखा है उस सारे 120 लोग ऊपर वाले कमरे में जोर जोर से अन्य भाषा बोल रहे थे, अलग अलग भाषाओं में बोल रहे थे। वहां बाइबल कहती है उस समय यरूशलेम में बहुत सारे लोग इकट्ठा थे अलग अलग जातियों के और वो लोग क्या सुन रहे थे, अपनी अपनी भाषाओं में परमेश्वर के अद्भुत कामों का वर्णन सुन रहे थे और वो आश्चर्यचकित हो रहे थे कि तो सारे यहूदी है, ये हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं, हमारी भाषाओं को कैसे बोले। और कुछ लोग बहुत आश्चर्य कर रहे थे और कुछ लोग बोलने लगे ये सब नशे में। हालेलुया। मैं कहती हूं इसके 14वें वर्ष में लिखा 14th वर्ष में जब उन 11 के साथ खड़ा हुआ और उनके साथ से कहने लगा हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों यह जान लो और कान लगाकर मेरी सुनो, जैसा तुम समझ रहे हो वे लोग नशे में नहीं है क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चला है परंतु वह यह बात है कि जो एक भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा मैं अपना आत्मा मनुष्य पर उंडेलूंगा और अपने बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरानी स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों को भी उन दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। पतरस क्या कह रहा था, ये जो बात है यूएल भविष्यवक्ता ने जो बोली थी वो है कि परमेश्वर कहता अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पे क्या करूंगा। ये बात कितने साल पुरानी है, 2000 साल पुरानी। पत्रस क्या कह रहा है, ये बात यूएल भविष्यवक्ता ने जो बोली थी कि अंत के दिनों में, मतलब आज से 2000 साल पहले को भी पत्रस अंत का दिन बोल रहा है। हालेलुया। आज से 2000 साल पहले भी पत्रस क्या बोल रहा है, अंत के दिनों में परमेश्वर कहता है, योएल भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी करी थी अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलेगा और वो क्या करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगे भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। अब जा रहे हैं बैंक कहती अगर 2000 साल पहले अंत का दिन था तो आज 2000 साल पहले तो अंत का भी अंत है। हालेलुया। अगर 2000 साल पहले अंत का दिन था, पौलुस कह रहा है ये वो बात है जो यूएल ने 1000 साल पहले कही थी वो पूरी हो रही है। तो अगर 2000 साल पहले अंत का दिन था तो आज तो बिल्कुल अंत का अंत है। अगर अंत कुछ 1000 साल का है तो उसका भी अंत है, मतलब इसका मतलब खत्म होने पर है, यीशु मसीह आने के ऊपर है। हालेलुया। और बाइबल कह रही है वो क्या कह रहा है कि परमेश्वर अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलेगा और जब वो उंडेलेगा तो लोग क्या करेंगे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलेगा तो लोग क्या करेंगे भविष्यवाणियां करेंगे, सारे के सारे लोग। प्रभु कह रहा है दासों पे दासियों पे भी अपनी आत्मा को उंडेलेगा उंडेलूंगा और वो भी भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। कल रात के जब परमेश्वर मुझे बोल रहे थे तो मैंने प्रभु से सवाल किया, मैंने कहा प्रभु पत्रस तो भविष्यवाणी कर नहीं रहा था तो अन्य भाषा बोल रहा था,
कर रहा था भविष्यवाणी, भाषा बोल रहा था, उसके साथ 119 लोग जो टोटल 120 लोग थे बाहर कह रही, वो सब अन्य भाषा बोल रहे थे, वो भविष्यवाणी तो कर भी रहे थे। लेकिन पतरस कह रहा ये वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता ने बोली कि अंत के समय में जब परमेश्वर अपना आत्मा उड़ेलेगा तो सब लोग भविष्यवाणी कर। रात में घंटों बैठा रहा और परमेश्वर से पूछता रहा, प्रभु मुझे बताओ, ये तो भविष्यवाणी तो कर नहीं रहा है, तो अन्य भाषा बोल रहा है। क्यों पतरस बोल रहा है कि अंत में जब परमेश्वर अपने आत्मा को डेलेगा तो सारे लोग भविष्यवाणी करेंगे, दास और दासियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, क्यों? लेकिन मैंने कहा पतरस में लिखा अन्य भाषा बोल रहा है, प्रेरित अन्य भाषा बोल रहे हैं, भविष्यवाणी तो कर नहीं रहे। हालेलुया। तब मुझे बहुत घंटे बाद परमेश्वर ने प्रकाशित किया, सिखाया, प्रभु ने कहा प्रकाशित हुआ की किताब निकाल, और जब मैंने प्रकाशित हुआ की किताब को निकाला और इसमें देखा, अनपढ़ के प्रकाशित वक्त का 19वां अध्याय, प्रकाशित वक्त का 19वां अध्याय से 9वें वर्ष से पढ़ेंगे। प्रकाशित वक्त 19:9। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मिलने के विभाग के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर का सत्य वचन है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कह, मैं तेरा और तेरे भाइयों के संग दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया। बैतेली स्वर्गदूत यूहन्ना को दिखा रहा है, क्या बोल रहा है? यूहन्ना स्वर्गदूत को दंडवत करने जा रहा था, स्वर्गदूत को दंडवत कर रहा है। तो स्वर्गदूत उसे क्या कह रहा है कि देख ऐसा मत कर, मैं तो तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं। किसका? मैं तेरा यूहन्ना और तेरे भाइयों का संगी दास हूं। और वो कह रहा था पर जो यीशु की गवाही देने पे क्या है, स्थिर है, जो यीशु की गवाही देंगे उस पर स्थिर है, मैं तो उनका संगी दास हूं। और कह रहा है परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की क्या है। जब मैं वचन को दोबारा प्रेतों का काम पढ़ने लगा तो वहां लिखा है पतरस ने उसके बाद यीशु की गवाही देना चालू करी। उसके बाद पतरस ने यहूदियों को यीशु मसीह की गवाही देना चालू करी कि यीशु मसीह कौन है, वो क्रूस पे मारे गए, कैसे परमेश्वर ने मुर्दों में से जिला के महिमा के साथ उठाया। तो मैं वहां पढ़ रहा था तो प्रभु का वचन कह रहा था यीशु की गवाही, जब परमेश्वर अपने आत्मा को अन्य सारे प्राणियों पर उंडेलेंगे तो लोग यीशु की गवाही देंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर अपने आत्मा को सब प्राणियों पर उंडेलेंगे तो वो लोग यीशु की गवाही देंगे, क्योंकि स्वर्गदूत बोल रहा है यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया। रात परमेश्वर मुझसे बोल रहे थे जब हम यीशु की गवाही देंगे ये भविष्यवाणी की आत्मा हमारे द्वारा भविष्य आने वाले समय में भविष्यवाणी को भी करना चाहिए। जब किसी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा पहली बार उड़ेला जाता है तो वो अन्य भाषा बोलना चालू करता है, लेकिन उसके बाद वो यीशु की गवाही देता है। भैया अब जाते हैं क्या तो क्या देना चालू करता है? यीशु की गवाही देना चालू करता है। जब परमेश्वर अपने आत्मा को किसी भी व्यक्ति के ऊपर उड़ेलता है वो अन्य भाषा बोलता है, लेकिन उसके बाद वो यीशु की गवाही देना चालू करता है। यीशु की गवाही वो आत्मा है, भविष्यवाणी की आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा खुद भविष्यवाणी का आत्मा है, जब हमारे ऊपर आएगा तो हम प्रोफेसी भी करेंगे, हम उसकी गवाही देंगे। पहली चीज हम उसकी गवाही देंगे। प्रभु ने मुझे और दिखाया, प्रभु कहते हैं आगे पढ़ो, मैं पढ़ रहा था प्रकाशित वक्त का 22वां अध्याय है और इसके 8वें वर्ष को पढ़ेंगे दोबारा से। मैं वही होता हूँ जो जब बातें सुनता और देखता था, जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे जब बातें दिखाता था मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ता हूँ और इस पुस्तक की बातों को मानने वाला का सही दास हूँ। दूसरी बार स्वर्गदूत को दंडवत करने के लिए गिरता है तो अब स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? स्वर्गदूत कह रहा था कि ऐसा मत कर, पहले वो क्या बोल रहा था, मैं तेरा और तेरे संगी भाइयों का क्या हूँ, दास हूँ, जो यीशु की गवाही देंगे। अब वो बोल रहा है मैं तेरा और तेरे भाई जो भविष्यवक्ता है और वो जो इस वचन को मानेंगे उनका संगी दास हूँ। अब जाग रहे परमेश्वर दास के मुझसे बोल रहे थे
एक बात जो मुझे समझा रहे थे वो आपको समझाना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य किताब में स्वर्गदूत बोल रहा है, वो बोल रहा है, बच्चे चुप हो जाए, 5 मिनट के लिए आप इसे भाग गई। हालेलुया, बाइबल के लिए परमेश्वर का स्वर्गदूत बोल रहा है जिस पर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा, और वो बोल रहा है, वो यहुन्ना से कह रहा है कि मैं तेरे और तेरे संगीत दास भविष्यवक्ताओं का दास हूं। आप समझ रहे क्या इसे? पहले वो बोल रहा था जो यीशु की गवाही देंगे वो उसको बाइबल यहां क्या कह रही है, भविष्यवक्ता बोल रही है। अब नहीं समझ पा रहे, बाइबल कह रही है जिस पर परमेश्वर अपना आत्मा दे देगा, यहां पर स्वर्गदूत उसे भविष्यवक्ता बोल रहा है। हालेलुया, यहाँ पे स्वर्गदूत उसे भविष्यवक्ता बोल रहा है, वो कह रहा है मैं तेरा यूहन्ना और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं का भी संगीत दास हूं, और वो जो इस वचन की गौ वचन की गौ इस वचन को विश्वास करेंगे। हालेलुया, अजाग रहे क्या? परमेश्वर रात में मुझसे बोल रहे थे भविष्यवक्ता कौन है जिसके ऊपर मैंने अपना आत्मा उतारा, जो यीशु की गवाही दे रहा है वो मेरा भविष्यवक्ता है। आपके समय पुराने समय में परमेश्वर एक स्पेशल आदमी को चूज करता था, ये है मेरा भविष्यवक्ता। अंत के समय में परमेश्वर कह रहा है जिसके ऊपर मैं अपना आत्मा उंडेल रहा हूं, जो यीशु की गवाही दे रहा है वो मेरा भविष्यवक्ता। हालेलुया, जो मेरे जिसके ऊपर मैं अपना आत्मा उंडेल रहा हूं, जो यीशु की गवाही दे रहा है वो मेरा भविष्यवक्ता। अंत में प्रकाशित वाक्य आखिरी चैप्टर में परमेश्वर इस बात को रिवील कर रहे हैं जिसके ऊपर मैं अपना आत्मा उंडेल रहा हूं, जो यीशु की गवाही दे रहा है वो भविष्यवक्ता है। कौन है परमेश्वर के भविष्यवक्ता? हम सोचते हैं किसी भविष्यवक्ता को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है स्वर्गदूत के द्वारा, यू आर माय प्रॉफिट, तुम हो मेरे भविष्यवक्ता, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर अपना आत्मा उंडेला है। अजाग रहे क्या? ये रात में मुझे 3:30 बजे जाके रिवील हुआ और परमेश्वर मुझसे कह रहा है यू आर माय प्रॉफिट। हालेलुया, परमेश्वर के सामने हम लोग बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर रात में मुझे कह रहा मैंने तेरे ऊपर अपना आत्मा उंडेला है, तूने अन्य भाषा बोली, तूने मेरे पुत्र की गवाही दी, यू आर माय प्रॉफिट, मैं तुझसे उम्मीद करता हूँ। हालेलुया, अगर आप प्रभु का आत्मा आपके ऊपर है, अगर आज नहीं है तो आज उतरेगा आपके ऊपर। हालेलुया, और जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा वह अन्य भाषा बोलता है, और बाइबल कहती है यीशु की सबसे पहला काम है वो यीशु की गवाही देगा, दूसरा काम है परमेश्वर कह रहा है तू मेरा भविष्यवक्ता, अब तू मेरा मुंह बन चुका है, मैं तेरे द्वारा जगत से बात करूंगा। हालेलुया, अब मैं सीने पर हाथ रखिए उसे कही प्रभु का आत्मा उस पर है, जितने अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं अपना हाथ उठा के बोले कही मैं प्रभु का चुना हुआ, उसने अपना आत्मा मुझ पर उड़ेगा, मैं यीशु की गवाही दूंगा हर समय, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। जब मैं यीशु की गवाही दूंगा तो भविष्यवाणी की आत्मा मेरे द्वारा कार्य करेगी, क्योंकि परमेश्वर मुझे अपना भविष्यवक्ता बोलता है। हालेलुया, अब कौन है भविष्यवक्ता परमेश्वर का? अरे चिल्ला के बोलिए, आज तक आप नहीं जानते थे आप परमेश्वर के प्रॉफिट, आज मैं आपको बता रहा हूँ, यू आर द प्रॉफिट ऑफ द ऑलमाइटी। हालेलुया, आप परमेश्वर के भविष्यवक्ता हो, जैसे प्रभु ने स्वर्गदूत के द्वारा यूहन्ना आपको बोला तुम हो भविष्यवक्ता। हालेलुया, आज सवेरे जब मैं उठा तो परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई, ये आज 29 फरवरी ये लीप ईयर है, जानते ना लीप ईयर? हालेलुया, लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, और लीप डे जो 29 फरवरी भी 4 साल में एक बार आती है। लीप का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? जो लीप वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? अरे आप लोग इंग्लिश पढ़ लिखे लोग हैं। हालेलुया, लीप किसको बोलते हैं? लीप करना किसे बोलते हैं? कूदना, जंप मारना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हालेलुया, बहुत सारे सोल लोग सोच रहे हैं मैं गलत ना बोल रहा हूँ, अरे आप भविष्यवक्ता हो परमेश्वर के। हालेलुया, आज से मैं आपको एक्टिवेट करना चाहता हूँ कि आप भविष्यवाणी करोगे। हालेलुया, अपने मुंह को बंद नहीं करोगे, आपको आज पता लग गया यू आर द प्रॉफिट ऑफ द ऑलमाइटी का। हालेलुया, लीप का मतलब होता है कूदना, जंप करना, उछलना, पार होना। भजन संहिता 18 में दाऊद बोलता है
हे परमेश्वर मैं तेरी सहायता मैं अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाहों को लीक कर जाता हूँ, गांव में जाता हूँ। हालेलुया, तो कहता है अपने परमेश्वर की सहायता से दीवारों को, बड़ी बड़ी ऊंची दीवारों को, शहर बनाओ को लांग जाता हूँ। इंग्लिश में लिखा लीप कर जाता हूँ। आज सवेरे परमेश्वर कह रहे थे आज ये मीटिंग बहुत 29 फरवरी लीप ईयर के लीप डे पे सी है, क्योंकि लोगों को जाके बोलो कि वो परमेश्वर की सहायता से आज के दिन से हर दीवार को पार करने जा रहा है, हर दीवार को पार करने जा रहा है, हर एक दीवार को पार करने जा रहा है। अगर आप परमेश्वर के इस वचन को आज रिसीव कर रहे हो तो आज से आप हर दीवार को पार करोगे परमेश्वर के साथ। कोई भी दीवार आपकी जिंदगी में आपके सामने क्यों ना आ जाए, कोई भी बड़ी चैलेंज आपके सामने कोई आ भी ना जाए, सामने खड़ा हो जितनी भी ऊंची दीवार हो। जैसा दाऊद कहता था आज लीप ईयर का लीप डे है, परमेश्वर सोया है, उसे कह रहा था लोगों को जाके बोलो कि अगर वो विश्वास करते हैं तो आज से वो हर चैलेंज को पार करना चाहते, हर एक समस्या को ओवरकम करना चालू करेंगे, हर एक दीवार को, हर एक चैलेंज को पार कर जाएंगे। किसके द्वारा? अपने परमेश्वर के द्वारा। आमेन। आप विश्वास करते हैं क्या? हालेलुया। जब परमेश्वर अपने वचन को बोलता है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हालेलुया। प्रॉफिट ने वहां पे इलाहाबाद में मेरे लिए बोला, परमेश्वर आपकी जिंदगी में ब्रेक थ्रू फाइनेंस में ला रहा, आप फाइनेंस में बहुत ऊंचाई पे जा रहे हो। मैंने रिसीव किया, वहां के पास्टर ने मुझे बोला परमेश्वर आपको प्रोफेटिक में यूज करने जा रहा है, मैंने उसे एक्सेप्ट किया। और जो घर वापिस आया तो प्रभु मुझसे कह रहा है यू आर माय प्रॉफेट। हालेलुया, हालेलुया। जाग रहे क्या? वेरी गुड, आप एक्साइटेड लग रहे हैं। आमेन। कितने लोग नहीं है एक्साइटेड? हालेलुया। अब जानते हैं पुराने समय में जो भविष्यवक्ता थे, एलिया के समय में खास करके, वहां ढेरों भविष्यवक्ता थे जिनको बाइबल बोलती है सन्स ऑफ द प्रॉफेट, या हिंदी में लिखा है भविष्यवक्ताओं के चेले लिखा है ना, लेकिन इंग्लिश में लिखा है सन्स ऑफ द प्रॉफेट, भविष्यवक्ताओं की संतान है। हालेलुया। और बाइबल कहती है उस समय के जो भविष्यवक्ता थे बहुत पावरफुल थे, बहुत सामर्थी थे, और वो इतने पावरफुल थे वो अंधकार की ताकतों को खड़े होकर चैलेंज कर देते थे। वो राजाओं से नहीं डरते थे, वो किसी प्रशासन से नहीं डरते थे, किसी भी चैलेंज से नहीं डरते थे, वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे, वो बीमारों को चंगा करते थे, वो समुद्र को तो भागों में बांट देते थे, नदियों को तो भागों में बांट देते थे। हालेलुया। वो जब लोगों को रिवाइवल के अंदर लेके आ जाते थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को धर्मी बनाया, प्रभु की ओर लेके आया, उन्होंने जमीनों के ऊपर, उस शहरों के ऊपर, उस देशों के अंदर रिवाइवल को लेके आया। और वो बहुत प्रॉफिट, बहुत पावरफुल प्रॉफिट थे, क्योंकि वो परमेश्वर की उस पवित्रता में चलते थे। परमेश्वर राज में कह रहे थे वो बहुत पवित्र लोग थे, वो मेरी पवित्रता में चलते थे, और मैं उनका दोस्त था और वो मेरे दोस्त थे, वो मेरी बात को सुनते थे, वो मेरी आवाज को पहचानते थे, उनके कान मेरी आवाज की तरफ लगे रहते थे। हालेलुया। अभी हमने सुना आप परमेश्वर के प्रॉफिट हो, लेकिन मैं आपको पुराने नियम के प्रॉफिट दिखा रहा हूँ जो उस पवित्रता में मूव करते थे, जो परमेश्वर के दोस्त थे, जो किसी भी चीज को चैलेंज करने से नहीं डरते थे, किसी भी चीज के सामने खड़े। मैं जब देखता हूँ एलिया की कहानी, कर्मेल पहाड़ के ऊपर वो बाल के, अशेरा के, नबियों के सामने, पूरे इज़राइल के सामने, राजा के सामने अकेला एलिया खड़ा होकर पूरे सबको चैलेंज करता। हालेलुया। अकेला व्यक्ति खड़ा होकर पूरे इज़राइल को परमेश्वर के पास घुटनों पर लेके आता। हालेलुया। उस समय के प्रॉफिट बहुत सामर्थी थे, क्योंकि प्रभु उसे रात में बोले थे ते वर होली प्रॉफिट्स, वो पवित्र लोग थे, वो मेरी उपस्थिति में रहते थे। इसीलिए बाइबल कहती है जब राजा अहाब के सामने एलिया खड़ा होता है तो कहता है मैं उस परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता हूँ, उसकी प्रेजेंस में खड़ा रहता हूँ। हालेलुया। वो जैसा बोलते थे वैसा होना चालू हो जाता था। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, परमेश्वर एक बात मुझसे बोल रहे थे, लेकिन आज के वचन के लिए कि जब आप परमेश्वर के प्रॉफिट हो तो आपकी सबसे पहली डिमांड है कि आपको पवित्र होना है, आपको होली होना है, आपको परमेश्वर के साथ रिलेशन में रहना है, आपको उसकी संगति में रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपना भविष्यवक्ता चुना है। हालेलुया। आपके ऊपर उसने भविष्यवाणी के आत्मा को, अपने पवित्र आत्मा को डाला है, वो आपसे उम्मीद करता है कि आप पुराने भविष्यवक्ताओं की तरह आप भी खड़े हो। हालेलुया। जा रहे क्या? कितने लोग उसकी पवित्रता में मूव करना चाहते हैं, हार्ट से, दिल से? कितने लोग? जब आप हम उसकी पवित्रता में मूव करेंगे तो हम उसके सम्मुख खड़े होंगे।
उसकी प्रेजेंस में खड़े होंगे, उसकी उपस्थिति में खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर आज हम देखते हैं संसार के अंदर सब चीजें बहुत खराब हो रही है, दुष्टता के काम पिछले कई सालों से, हजारों सालों से बढ़ चुके हैं, बीमारियां बहुत बढ़ चुकी हैं, शैतान की ताकतें बहुत बढ़ चुकी हैं, सारी चीजें बहुत बड़े रूप में हो गई है, एडिक्शन बहुत बड़े रूप में हो गया, पाप बहुत बड़े रूप में हो गया। आज परमेश्वर अपने चर्च से उम्मीद करता है कि पुराने समय के भविष्यवक्ताओं की तरह खड़े होकर वो भी अंधकार की ताकतों को नाश करें। हालेलुया। आज परमेश्वर अपने चर्च से भी उम्मीद करता है कि वो मेरी प्रेजेंस में खड़े होकर इन अंधकार की ताकतों को चैलेंज करे, जैसा वो करते थे, वो मुर्दों को जिंदा करते थे, वो राजाओं के सामने खड़े होते हुए भी नहीं डरते थे, वो पूरे पूरे किंगडम को चैलेंज कर देते थे, वो समुद्रों को, नदियों को दो भागों में बांट देते थे, वो बीमारों को चंगा करते थे और उन जो बोलते थे वैसा होना चालू हो जाता। हालेलुया। वो आसमान को बंद कर देते थे, वो सूरज को रोक देते थे। हालेलुया। और परमेश्वर की आज एक डिमांड है, आज इस सारी विकेटनेस में, सारी दुष्टता के बीच में प्रभु का वचन हमारे हृदयों में है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले ही होना 14:12 में बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो उस पर विश्वास करेगा जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। हम किसने चुने गए हैं? प्रभु के जैसे काम करने के लिए, बल्कि उससे भी बड़े बड़े काम करने के लिए। मैं आज आपके, आज के दिन आपको इंस्पायर करना चाहता हूँ। आपका चुनाव आपको अमीर बनाने के लिए नहीं हुआ, आपका चुनाव आपको परमेश्वर में आप अपनी जिंदगी में राहत देने के लिए नहीं हुआ। जैसे भाई धीरज, पास्टर धीरज बोल रहे थे, क्या हम परमेश्वर के दर्द को समझ पा रहे हैं? क्या हम उसकी तकलीफ को समझ पा रहे हैं? वो आपको सुखी करने करना तो चाहता ही है, लेकिन उसका मकसद आपको सुख देने से बढ़कर है कि आप उसके भविष्यवक्ता के खड़े होकर अंधकार के राज्य को चैलेंज कर सको, मुर्दों को जिंदा कर सको, कोड़ियों को शुद्ध कर सको, बीमारों को चंगा करो, नदियों को, समुद्रों को दो भागों में बांट दो, सूरज को रोक दो, आसमान पर बरसात को रोक दो। हालेलुया। जाग रहे क्या आज? प्रभु हमसे यही बोल के गए, जो उस पर विश्वास करेगा जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे बड़े बड़े काम करेगा। आप इसीलिए बनाए गए हो। अपने हाथ को उठा के बोलिए, कहीं मैं इसीलिए बनाया गया, कहीं मैं इसीलिए धरती पर आया। अपने पड़ोसी की तरफ मुड़ करके बोलिए, कहीं आपको पता है मैं किस लिए धरती पर आया? आपको पता है प्रभु ने मुझे क्यों चुना? कि मैं यीशु मसीह जैसे बड़े बड़े काम करूं, पुराने के भविष्यवक्ताओं जैसे बड़े बड़े काम करूं। आप बिलीव करते क्या? प्रभु ने कहा जो मेरे वचन पर बिलीव करेगा वो करेगा, जो मेरी बात पर यकीन करेगा वो करेगा, जो इस पर यकीन नहीं करेगा वो नहीं कर पाएगा, लेकिन जो यकीन करेगा वो बड़े बड़े काम करेगा। अगर आपके हार्ट में फेथ है कि परमेश्वर ने आपको अपना भविष्यवक्ता चुना, अगर आपके हार्ट में विश्वास है कि आप यीशु के वचन पर विश्वास करते हो, तो आप प्रभु के जैसे काम करोगे, उससे बड़े बड़े काम करोगे। अब जा रहे क्या? Yes. अपनी कमर को कस लीजिएगा, आज के दिन से आप बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं, आप बड़े बड़े चमत्कार करने जा रहे हैं, आप चैलेंज करने जा रहे हो बड़े बड़े अंधकार की ताकतों को, आप चैलेंज करने जा रहे हो बड़े बड़े किंगडम को, आप चैलेंज करने जा रहे हो राजाओं को, प्रशासनों को, यीशु के नाम पे। आमेन। हालेलुया। आगे वचन को पढ़ेंगे। पतरस जब वहां बोल रहा था, प्रेरितों काम का तीसरा अध्याय इसके 25वें वर्ष को, प्रेरितों काम 3:25, तुम भूतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी, जब उसने अब्राहम से कहा मैं तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घरों को अर्थ पाएंगे, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा और तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों में फिर तलाशी जाए। यहाँ पत्रस क्या कह रहा है? तुम भविष्यवक्ताओं की क्या हो? आप कौन हो? भविष्यवक्ताओं की संतान हो। हालेलुया। आप कौन हो? भविष्यवक्ताओं की संतान। आज भी आप भविष्यवक्ता चुने हुए, लेकिन आप भविष्यवक्ताओं की संतान भी हो, क्योंकि बाइबल कह रही है, पत्रस कह रहा है, क्योंकि वो वाचा जो परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। हालेलुया। आपके द्वारा इस पृथ्वी के घराने आशीष पाएंगे।
आपके द्वारा आपकी गली के लोग उद्धार पाएंगे, आपके द्वारा आपके परिवार के लोग आशीष पाएंगे, आपकी वजह से शहर के लोग आशीष पाएंगे, आप जहाँ काम करेंगे उस कंपनी के लोग आशीष पाएंगे, आप जहाँ वर्क कर रहे होंगे बिजनेस कर रहे होंगे आपके द्वारा वहाँ के लोग आशीष पाएंगे, आप जिस घर में रह रहे होंगे किराए के मकान पे रह रहे होंगे आपके द्वारा मकान मालिक आशीष पाएगा, आप जिस बिल्डिंग में रह रहे होंगे आपके द्वारा उस पूरी बिल्डिंग के लोग आशीष पाएंगे। जाग रहे क्या? क्योंकि आप भविष्यवक्ताओं की संतान हो, हालेलुया, आप भविष्यवक्ताओं की संतान हो। आप इन बच्चों को रिसीव करो जो परमेश्वर आपके लिए बोल रहा है कि आपके द्वारा धरती के घराने आशीष पाएंगे, आपके द्वारा धरती के घराने आशीष पाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी और हम भविष्यवक्ताओं की संतानें हैं। जाग रहे क्या? खुश है क्या? जोर से चिल्लाइए, मैं परमेश्वर का भविष्यवक्ता हूँ, मैं भविष्यवक्ताओं की संतान हूँ, मेरे द्वारा पृथ्वी के सारे परिवार आशीष पाएंगे। आई डिक्लेयर इट इन द नेम ऑफ जीसस, ये वचन ऐसा बोलता है। आमेन। आप जहाँ जाओगे लोग आशीष पाएंगे, आप जहाँ खड़े होगे लोग आशीष पाएंगे, आप जिसके साथ बात करोगे वो आशीष पाएगा, आप जिसे हाथ मिलाओगे वो आशीष पाएगा। बच्चों को अपने हृदय में रख लीजिए। आमेन। हालेलुया। आप जानते हैं मूसा के समय में क्या हुआ था? तो मूसा ने फिरौन राजा के सबसे बड़े किंगडम के अंदर, उस राज्य के अंदर मूसा को लाठी दे के भेजा था, अकेला मूसा जाके खड़ा हो गया था राजा फिरौन के सामने। हालेलुया। बात कहती है मूसा ने जब लाठी को फेंका था तो लाठी सांप बन गई थी। राजा फिरौन के जादूगरों ने भी परमेश्वर के मिराकल और चमत्कारों को डुप्लीकेट किया, उन्होंने भी लाठी को सांप बना दिया। उन्होंने कहा क्या बात है, देखिए हम भी करके दिखाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जो शुरू में बीमार तकलीफें जो समस्याएं इज़राइल मिस्र के ऊपर डाली, मिस्र के जादूगरों ने वो भी करके दिखा दिया। बाइबल कहती है उसके बाद परमेश्वर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिराकल करके दिखाए और जो उनसे हो नहीं पाए तो कहने लगे ये परमेश्वर है, हमसे नहीं हो सकता, ये हमसे नहीं हो सकता, ये परमेश्वर ही है, इसे हम नहीं कर सकते, ये परमेश्वर ही है, ये हमसे चमत्कार नहीं हो सकते। अब जाग रहे हैं क्या? परमेश्वर आपसे बोल रहा है, संसार भले चमत्कार दिखा रहा, परमेश्वर आपके हाथ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिराकल कर दिखाएगा, तो लोग कहेंगे ये हमसे नहीं हो पा रहे, ये परमेश्वर ही है जिसके हाथ से इतने बड़े बड़े चमत्कार। हालेलुया। मैं सारे वचन आपके ऊपर भविष्यवाणी के बोल रहा हूँ, अगर आप इसे रिसीव कर रहे हो तो आपके द्वारा आज एक्टिवेट होना चालू हो जाए, आपकी जिंदगी में काम करना चालू हो जाए। आप जाग रहे हैं क्या? आप परमेश्वर के वो प्रॉफिट हो जिसके द्वारा परमेश्वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिराकल करेगा, वो संसार नहीं कर पाएगा, उसके डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा, और वो खुद आपके सामने गिर के बोलेंगे ये परमेश्वर का ही काम है, ये किसी और का काम नहीं है, परमेश्वर का काम है। हालेलुया। जाग रहे हैं क्या? खुश है क्या? इतना सब शायद आप पहले नहीं जानते होंगे, इतना आज परमेश्वर आपको बोल रहा है। बहुत सारे लोग जानते होंगे लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर आपको क्या नजरिए से देख रहा है आपको वो देखना है। हालेलुया। कि आपको परमेश्वर किस रूप में देखता है और परमेश्वर आपके द्वारा क्या करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर अपने बच्चों को दिखाना चाहता है तुम कितने बड़े और महान हो। हालेलुया। हालेलुया। पुराने नियम में कहानी है राजा शाऊल की, जानते हैं ना, हम निकालेंगे जल्दी। पहला शमूएल इसका नवा अध्याय, पहला शमूएल इसका नवा अध्याय। बात कहती है जब इजरायलियों ने राजा मांगा, परमेश्वर क्रोधित हुए, इजरायली राजा मांग रहे हैं अपने लिए, पहले न्याय हुआ करते थे, जानते हैं ना, अगर बाइबल पढ़ते थे जानते हो कि पहले न्याय होते थे जो राजाओं की तरह काम करते थे, लेकिन इजरायली बोलने लगे जैसे अन्य जातियों के दूसरे जातियों के राजा होते हैं, परमेश्वर से शमूएल को बोलने लगे परमेश्वर से बोलो हमारे ऊपर भी कोई राजा ठहरा है। परमेश्वर क्रोधित हुए, ये क्या मुझको छोड़ के किसी और को राजा बनाना चाहते हैं, क्या
पहले उनका राजा परमेश्वर हुआ करता था, और वो कहते थे किसी मनुष्य को और देखो, उनके यहां भी उस देश के अंदर वो राजा है, उस देश में भी राजा होता है, उस देश में भी राजा होता है। तो वो शमूएल को बोलने लगे, कहो परमेश्वर से हमारे लिए राजा। परमेश्वर का ठीक है, इनकी मन की बुराई को मैं सुनता हूं, इनके लिए राजा ठहराता हूं। और परमेश्वर ने एक राजा चुना, शाऊल, जानते ना। बात कहती शाऊल एक आम लड़का था, लेकिन परमेश्वर का चुनाव हो चुका था। और बाइबल कहती है पहला शमूएल के 9वें अध्याय में कि प्रोफेटिक मिनिस्ट्री किस तरह से इंसान की जिंदगियों को चेंज करती है। जब आप परमेश्वर के प्रॉफिट हो, कैसे आपके द्वारा परमेश्वर लोगों की जिंदगियों को बदल देगा। हालेलुया। बाइबल कहती है शाऊल के पिता की गधियां खो गई थी, पढ़ा ना, जानते। और बाइबल कहती है उसके पिता को मिलने दी, चलते चलते पता नहीं कहां चली गई। उसके फादर ने बोला शाऊल को, अपने बेटे को, जाके गधियां ढूंढ के लाओ। कहां गुम हो गई, चलते चलते कहां निकल गई। और वो ढूंढते ढूंढते गया और कई समय बीत गया, उसको गधियां मिली नहीं। अब उसे चिंता हो रही, वो कहता है गधियां तो मिली नहीं, पिता हमारी चिंता करता होगा कि बच्चा कहां चला गया, शाऊल कहां चला गया, तो कितना समय हो गया, गधियां तो हमें मिली नहीं। तब उनके दिमाग में आया कि यहाँ पर एक भविष्यवक्ता रहता है, बाकी कहती, और वो कहते कि शमूएल वहां रहता है। तो उन्होंने कहा चलो शमूएल से चल के पूछते हैं कि गधियां कहां है। हालेलुया। आए पढ़ेंगे इसके 9वें वर्ष में, पहला शमूएल 9वां अध्याय 9वें वर्ष में। मूल काल में तो इज़राइल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता तब ऐसा कहा करता था, कहता था चलो हम दर्शी के पास चले, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वह पूर्व काल के दर्शी कहलाता था। पुराने समय में जो आज भविष्यवक्ता कहलाता वो दर्शी कहलाया, सीयर कहलाया था, दर्शी कहलाया था। तब शमूएल दर्शी था, मतलब भविष्यवक्ता से भी ऊंचे लेवल पे। और बाइबल कहती है जब लोग परमेश्वर से कुछ पूछने जाते थे तो दर्शी के पास, मतलब भविष्यवक्ता के पास जाते थे, पूछते थे कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। और बाइबल कहती है जब शाऊल को भी गधियां नहीं मिली तो कहता चलो हम ढूंढते हैं किसी पास में, पूछ रहे थे, पूछते पूछते वो शमूएल के पास पहुंच जाते हैं। और इसके तब शाऊल ने 18वें वर्ष में पढ़ेंगे, 17वें वर्ष में। फिर जब शाऊल ने शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा, तब यहोवा ने उसे कहा जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा मुझे पता कि दर्शी का घर कहाँ है। उसने कहा दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और सवेरे जो कुछ मन में है वे सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। तब तेरी गधियां जो 3 दिन से खो गई थी उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। इज़राइल में जो कुछ मन भाव है वह किसका है, क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर ने बोला यही है इज़राइल का राजा बनेगा ये लड़का है। और बाइबल कहती जब वो मिला तो शमूएल उसके सारे मन की बातों को बता रहा है। तो गधियां ढूंढने आया, गधियां मिल चुकी है, कह रहा तू ऊंचे पे चढ़ जा, तू कल मेरे साथ खाना खाएगा और जो तेरे मन में है मैं कल तुझे बताऊंगा। हालेलुया। बाइबल कहती शमूएल उसे कह रहा था इज़राइल में जो कुछ मन भावना है वो किसका है, वो तेरा और तेरे पिता के घराने का नहीं है। जाग रहे क्या? आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है इस देश में जो कुछ अच्छा है, जो कुछ मन भावना है वो क्या तेरा नहीं है, तो तेरे पिता का नहीं है क्या? हालेलुया। जाग रहे क्या? शाऊल क्या बोलता है? शाऊल का जवाब था क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इजरायली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ, और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में सबसे छोटा नहीं है, इसलिए तुम उससे ऐसी बातें क्यों कहता है। अब जा कर क्या? वो कह रहा मैं तो बहुत छोटे गोत्र का हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो मेरे से। अब जा कर क्या? अब सो रहे क्या? ध्यान से सुनिए, शाऊल को शमूएल बोल रहा था कि सारा देश तेरा है, इसमें जो कुछ अच्छा सब तेरा है, पिता के घराने का है। वो कहता नहीं मैं तो बहुत छोटे गोत्र का हूँ, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, मेरे लिए कैसे हो सकता, कैसी बातें कर रहे हो। बाइबल कहती है अगले दिन वो उसके साथ खाना खाता है, अगले दिन जब सवेरे उठता है वो उसका अभिषेक करता है शमूएल, और उसको बताता है कि परमेश्वर तुझे चुनता है। हालेलुया। अब जाकर क्या? और वो बोलता है जा, जाते हुए पहाड़ से उतरते हुए तुझे
और भविष्यवक्ताओं का दल मिलेगा, उसके साथ हो जाना और परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर उतरेगा और तू भविष्यवाणी करना चालू करेगा। और ऐसा ही होता है, जब वो जाता है तो भविष्यवक्ताओं का दल उसे मिलता है और जैसे ही वो उनके साथ खड़ा होता है उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता है, वो भविष्यवाणी करना चालू करेगा। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर हमारे अंदर एक बहुत बड़ी महत्ता को देखता है। आप कुछ भी ना हो, आप घर में रोटी बनाने वाले एक हाउसवाइफ हो, आप पढ़ने वाले के स्टूडेंट हो, आप अभी छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, आप एक छोटी सी नौकरी कर रहे हो, आप समस्याओं में पड़े हो, आप टेंशन में हो, आप परेशानियों में, आप दुखों में हो, आप बीमारियों में हो, लेकिन आप नहीं जानते, अगर आप प्रभु के हो तो परमेश्वर ने आपके अंदर बहुत बड़ी ग्रेटनेस को रखा हुआ, महानता को रखा हुआ, आपके अंदर बहुत बड़ी महानता को रखा हुआ, जिसे आप नहीं जानते। शाऊल नहीं जानता था वो आने वाले समय में इज़राइल का राजा बनने जा रहा। शमूएल पहले से कह रहा था, इस देश का जो कुछ अच्छा है क्या तेरा नहीं है शमूएल, और तेरे घराने का नहीं है क्या? अभी तुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले दिन में तू समझेगा कि हर एक अच्छी चीज इस देश की मेरी ही है, इस देश में जो कुछ अच्छा है वो मेरा ही है, इस देश में जो भी ब्लेस्ड है, जो भी आशीषित है, जो भी मन भावना है, जो भी सब कुछ अच्छा है, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मेरा है। हालेलुया। अब जाग रहे क्या? परमेश्वर दाऊद का अभिषेक करवाता शमूएल से, दाऊद भेड़ बकरियां चराता, उसे नहीं पता था एक दिन वो इज़राइल का राजा बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर पतरस के पास आके खड़ा होता है, पतरस मछलियां जाल धो रहा है अपने पिता का, प्रभु आके बोलते हैं धरा पतरस, पतरस को नहीं पता था, पतरस का नाम पहले शमौन था, शमौन का मतलब आप जानते हैं, कोई जानता है शमौन का मतलब क्या होता है? ब्रोकन रीड, रीड का मतलब होता है ईख होती ना, जो गन्ने का डंडा होता है, गन्ना होता है, उसको अगर तोड़ दिया जाए उस पेड़ को तो उसको बोलते हैं शमौन। शमौन का मतलब होता है जो गन्ने की ईख होती ना, ईख को तोड़ दो। शमौन का मतलब ये था, प्रभु कह रहा था तू तोड़ी हुई ईख नहीं है, तू मेरे किंगडम का बहुत बड़ा स्टोन है, आज से मैं तेरा नाम पतरस रखता हूं, मेरे राज्य का तू बहुत बड़ा पत्थर है। हालेलुया। पर पतरस नहीं जानता था कितनी बड़ी महानता परमेश्वर ने पतरस के अंदर छुपा रखी है। यीशु मसीह भविष्यवाणी करके उसे सब कुछ बता रहे थे, पतरस तू पानी के ऊपर चलेगा, पतरस तू चमत्कारों को करेगा, पतरस तेरी परछाई से भी एक दिन लोग चंगे होंगे, तू स्वर्ग के राज्य के लिए खड़ा होगा और पहले दिन 3,000 लोग उद्धार पाएंगे। आपको नहीं पता, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके अंदर परमेश्वर ने बहुत महान व्यक्ति रखा हुआ है। विश्वास करते हैं? यस। सामरी स्त्री कुएं पे पानी भरने आती है, वो एक व्यभिचारी औरत है, नहीं वो नहीं जानती, दोपहर के समय आती, कोई देखे ना, लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन यीशु उसका इंतजार करते हैं, लोग उसको देख के कहते हैं तो बेकार हो जाता है, लेकिन प्रभु जी यीशु मसीह जब उसकी तरफ देखते हैं तो जानते हैं इसके अंदर मैंने महानता डाली है, सामरियों के गांव को मेरे पांव पे लेके आने वाली औरत है। सारे गांव को, सामरियों के गांव को जो इसके खिलाफ बोलते हैं, जिसको एडल्ट्रस औरत बोलते हैं, जिसको व्यभिचारी औरत बोलते हैं, जिसको गलत औरत बोलते हैं, यही औरत इस गांव को मेरे पांव पे लेके आएगी। अब जाग रहे हैं क्या? आपके बारे में लोग बुरा बोलते होंगे, आपको लोग कहते होंगे कुछ भी नहीं है, मैं आज आपसे कह रहा हूं परमेश्वर ने आपके अंदर बहुत महानता डाली है, आपके अंदर एक महान व्यक्ति रखा हुआ है। शमूएल नहीं जानता है, शाऊल नहीं जानता था कि वो राजा बनेगा, दाऊद नहीं जानता था वो राजा बनेगा, पतरस नहीं जानता था कि मेरी परछाई से भी लोग चंगे होंगे, पतरस नहीं जानता था मैं प्रचार करूंगा हजारों लोग यीशु मसीह के चरणों में आएंगे, पतरस नहीं जानता था, पौलुस नहीं जानता था एक दिन मेरे हाथ के रुमाल और कपड़ों को छूने के द्वारा लोग चंगाई आ पाएंगे। तो सामरी औरत नहीं जानती थी एक दिन यही गांव जिसके आंखें छुपा के मैं इस पानी को भरने आती हूँ, यही गांव एक दिन मेरी बात को सुन के यीशु के चरणों पर आएगा। हालेलुया। आप जाग रहे क्या? आज भविष्यवाणी के इस वचन के द्वारा मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपके अंदर एक महान इंसान परमेश्वर ने डाला, आपके अंदर एक महान इंसान परमेश्वर ने डाला, एक ग्रेट मैन, एक ग्रेट वुमन आपके अंदर डाली हुई है। जो आप देखते हो वो नहीं है, जो संसार आपको देखता है वो नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह आपको देखता है वो हुआ। हालेलुया। और प्रभु आपसे कह रहा है, मैंने अपनी भविष्यवाणी का आत्मा तुम्हारे ऊपर उड़ेला है, मैंने अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर उड़ेला, मैंने तुम्हें अपनी संतान बनाया है,
ट्रस्ट इट, इस बात पे यकीन करने वालों के लिए ऐसा होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुझे विश्वास है तो तेरे लिए हो जाए। क्या विश्वास करते हैं? yes. चिल्ला के बोल सकते हैं yes. मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर ने जितने भी भविष्यवाणी के वचन आज आपकी जिंदगी के लिए बोले हैं ये आपके लिए है और मेरे लिए है। अगर आप इस पर ट्रस्ट करते हो तो प्रभु कहता है एक भी वचन फेल नहीं होगा, तो तुम्हारी जिंदगी को पूरा होगा। आमेन। एक भी फेल नहीं होगा। आप नहीं जानते आपके अंदर कितनी बड़ी महानता उसके अंदर छुपाते हो। आप जानते हैं जब एक पेंटिंग बनाई जाती है ना, तो पेंटिंग को जो बनाने वाला आर्टिस्ट होता है वो जब पेंटिंग को देखता है ना तो कहता है किसने बनाई। लोग बताते हैं उसने बनाई, कहते हैं वाह कितनी बढ़िया उसने पेंटिंग बनाई है। हालेलुया। तारीफ किसकी होती है? बनाने वाले। हमारे परमेश्वर की महिमा तभी होगी जब आप डिप्रेस रहोगे तब होगी क्या? जब आप निराशा में रहोगे तब होगी क्या? जब आप उदास रहोगे तब होगी क्या? जब आप समस्या में रहोगे तब होगी क्या? जब आप खड़े होके कहोगे आन द प्रॉफिट ऑफ द ऑलमाइटी गॉड मेरे द्वारा पृथ्वी के घराने आशीष पाएंगे, तब लोग देखेंगे, तब आपके परमेश्वर की महिमा होगी, तब आपकी महिमा परमेश्वर की महिमा होगी। जब आप परमेश्वर के लिए यूज किए जाएंगे, आप अगर खुद गिरे हुए हो, आप खुद टेंशन में हो, परेशानी में हो, परमेश्वर आपको ऐसा नहीं देखता। परमेश्वर आपको अपनी संतान ही नहीं, वो आपको अपना भविष्यवक्ता देखता है। और आप वो पेंटिंग हो जो परमेश्वर ने बनाई है, जिसके अंदर उसने बहुत महानता को डाला है। हमारे इस पेंटर की, उस आर्टिस्ट की महिमा, उसकी वाहवाही तभी होगी जब संसार आपको देखेगा, आपके कार्यों को देखेगा, आपके द्वारा अद्भुत चमत्कारों को देखेगा, आपके द्वारा महानता के कार्यों को देखेगा, तब हमारे परमेश्वर की महिमा होगी। आमेन। अब आम आदमी नहीं हो, परमेश्वर ने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल करने के लिए चुना। परमेश्वर ने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क्स करने के लिए चुना। परमेश्वर ने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीलिंग और डिलीवरेंस करने के लिए चुना। जो अभी वो गवाही दे रही थी, डॉक्टर कह रहे थे बच्ची बचेगी नहीं, परमेश्वर कहता कैसे कोई इसको मार सकता है। परमेश्वर ने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामों को करने के लिए चुना हुआ है कि आपके द्वारा वो महान कार्यों को करे, आपके द्वारा अन्य जातियों को हिला के रखे, आपके द्वारा संसार में अपनी महिमा को प्रकट करे। अब चाहे भैया घर जाके ठंडे मत होइएगा। आमेन। ये सारे वचन रात को मुझे 6 घंटे तक परमेश्वर बोलते रहे, 6 घंटे तक समझाते रहे मुझे। सवेरे के 6 बज गई और मैं बैठा हुआ केवल बाइबल लेके सुनता रहा और लिखता रहा, और मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे कि परमेश्वर कितना अच्छा है। हालेलुया। आज से निराश मत होइएगा, प्रॉब्लम में मत अपने आप को समझिएगा, अपने आप को गिरा हुआ मत समझिएगा। दुनिया आपके बारे में बुरा बोले आपका ये उसकी कोई परवाह नहीं, मेरा परमेश्वर जो मुझे समझता है मैं उस पर खुश हूँ। आपको बोले ये बहुत समस्या में, गरीब है, प्रॉब्लम है, आप अपने आप को परमेश्वर का सबसे अमीर बच्चा समझिए। आपको बोले कुछ नहीं कर सकता, नालायक है, बेकार है, आप कहिएगा देखते जाओ आने वाले दिनों में परमेश्वर मेरे हाथ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चमत्कार करके। हालेलुया। जाग रहे क्या? तैयार हो जाइए, आज ये लीप ईयर का लीप डे है और आप लीप करने जा रहे हैं। हर एक चैलेंज को, हर एक प्रॉब्लम को आप परमेश्वर के भविष्यवक्ता हो। आप यीशु की केवल गवाही देना चालू करो, आप यीशु की गवाही देना चालू करो। यीशु की गवाही बाइबल के भविष्यवाणी की आत्मा है। आप संसार को केवल यीशु की गवाही, पतरस से खड़ा होकर यीशु की गवाही दी, 3,000 लोग घुटनों पर आ गए। इसराइल में कर्मेल पहाड़ के ऊपर एलिया ने उस परमेश्वर की गवाही दी, आप स्वर्ग से उतर गए। जब तक आप यीशु की गवाही अपने मुंह से अन्य जातियों को नहीं दोगे, आपके द्वारा परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। जिस दिन आप खड़े होकर अन्य जातियों को यीशु की गवाही देना चालू करोगे, वो फायर आपके द्वारा उतर के आएगी जो मिरेकल करेगी, वो आग आपके द्वारा उतर के आएगी जो चमत्कार करेगी। अन्य जाति कहेंगे
यह तो इंसान के बस की बात नहीं है, तो परमेश्वर के बस की बात है। जब तक आप मुंह बंद करके रखोगे तो भविष्यवाणी का आत्मा आपके ऊपर काम नहीं करेगा। जिस दिन आप खड़े होकर यीशु की गवाही देना चालू करोगे, भविष्यवाणी का आत्मा आपके साथ उतर के आएगा, आपके साथ लोगों के जीवनों के ऊपर उतर के आएगा। आमेन। जा रहे क्या? आज से मुंह को मत बंद करिएगा। पुराने समय के प्रॉफेट किसी की परवाह नहीं करते थे, वो किंगडम को चैलेंज करते थे, वो राजाओं को चैलेंज करते थे, वो प्रॉफेट्स को चैलेंज करते थे, वो झूठे भविष्यवक्ताओं को चैलेंज करते थे, पूरे संसार को चैलेंज करते थे, वो अंधकार की हर एक ताकत को चैलेंज करने की हिम्मत रखते थे, क्योंकि वो जानते थे वो परमेश्वर की गवाही दे रहे हैं और उसका आत्मा मेरे ऊपर उतर रहा है। आज से मुंह मत बंद करिएगा, यीशु की गवाही दीजिए, भविष्यवाणी का आत्मा आपके साथ है, उसकी फायर आपके ऊपर उतरेगी, लोगों की जिंदगी बदलेगी। जब तक आप अपने आप को डर के मारे मुंह बंद करके रखोगे, परमेश्वर आपके द्वारा कुछ नहीं करेगा। जिस दिन आप मुंह खोल के बोलोगे, यीशु की गवाही दोगे, भविष्यवाणी का आत्मा आपको प्रॉफिटी बोलता है, परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा। हमें आए अपनी जगह पर खड़े होंगे, उसका आत्मा इस जगह पर उतरने पर है, अपनी जगह पर खड़े हो जाए, अपनी जगहों पर जल्दी से खड़े हो जाए। इस समय अगले 15-20 मिनट बहुत पावरफुल है। आप में से बहुत सारे लोग उसके आत्मा को अपने जीवन के ऊपर उतरते, अपने ऊपर उतरते हुए महसूस करेंगे। वो भरने जा रहा है आपको अपनी उपस्थिति से, अपनी पावर से, अपने अभिषेक से, अपनी अनॉइंटिंग से, अपनी फायर से आपको भरने जा रहा है। अगर आप उसके लिए भूखे प्यासे हैं, तो अगले 15-20 मिनट केवल आंखें बंद करके हाथ उठा के पुकारिएगा प्रभु को, प्रभु तेरा आत्मा आज मेरे ऊपर उतर आया, क्योंकि तुमने कहा अंत के समय में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, और वो भविष्यवाणी करेंगे, वो भविष्यवाणी करेंगे, वो यीशु की गवाही देंगे, वो बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। हालेलुया। अभी आंखों को बंद कर लीजिए, अगले 15-20 मिनट आप किसी को मत देखिएगा, कौन क्या कर रहा है, केवल आप अपनी आंखों में यीशु को देखिएगा और अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठा के पुकारिएगा। आप उसके प्रॉफिट हो, जो कुछ भी मैंने आपको बोला है परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु आपके दास के द्वारा जो वचन आज मेरे लिए मिला है, ये भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में आया है, आप मुझे ऐसा ही देखते हो, आपकी वो पेंटिंग हो जो वर्ल्ड में फेमस होने जा रही है, आपकी वो पेंटिंग हो जिसे देख कर लोग कहेंगे ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आपकी वो पेंटिंग हो जिसे देख कर आपकी महिमा होगी, आपकी महिमा होगी। अपने हाथ उठा के इसका धन्यवाद करिए, वो आपको महान बनाना चाहता है। आप अपने आप को गिरावट मत समझिएगा, अपने आप को निराश मत जानिएगा, संसार की परवाह मत करिएगा, किसी की बातों को मत सुनिएगा। आप उसके महान बच्चे हो, आप उसकी महानता हो, आपके अंदर उसके महान व्यक्ति छुपा के रखा हुआ, जब तक प्रकट नहीं हुआ, जब तक सामने नहीं आया, परमेश्वर चाहता है जो महान व्यक्ति उसने आपके अंदर आपके नाम के द्वारा रखा हुआ है, वो संसार में प्रकट हो जाए, वो संसार में प्रकट हो जाए। उसने लिदिया को छुपा के रखा था, उसने कहा 7,000 और मैंने छुपा के रखे हैं, उसने पौलुस को छुपा के रखा, उसने अपने पुत्र को छुपा के रखा, उसने मूसा को छुपा के रखा, आपको भी उस जब तक छुपा के रखा, उस महान व्यक्ति को आपके अंदर छुपा के रखा है जो प्रकट होने पर है, उसे प्रकट होने दीजिए, यीशु की गवाही दीजिए, उसकी आत्मा से भर जाइए, उस पवित्रता में आ जाइए, आपको वो ऊंचाइयों के लिए छाने वाला है। उठा लीजिए,